हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागे ते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। सात तत्व संबंधी मूल का अपना ये प्रकरण चल रहा था। मूल आधार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसका सातवां अध्याय, और उन्हीं की पंक्तियों को हूबहू आधार बनाकर यहाँ लिखा गया है। वे ही पंक्तियाँ उतार कर यहाँ तत्व ज्ञान पाठमाला भाग एक के दूसरे पाठ में वही टोडरमल जी की पंक्तियों को रख दिया गया है। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि मूल ग्रंथ से पढ़ना चाहें तो वहाँ भी उनको वे ही पंक्तियाँ मिलेंगी। आश्रम तत्व संबंधी भूल तक की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं। आश्रम एक तत्व है। आश्रम का स्वरूप हम जानते हैं, मिथ्यात्व आश्रम है, अविरति प्रमाद कषाय योग ये सब आश्रम हैं। इनके निमित्त से बाहर से पुद्गल कर्म परमाणुओं का आना वो द्रव्य आश्रम है। द्रव्य आश्रम कर्मों के आने का नाम है और अंदर में उत्पन्न होने वाले विकारी परिणाम आंतरिक विकृति प्रदेशों की चंचलता भी उसमें शामिल है, है ना। कषाय प्रमाद अविरति का भाव मिथ्यात्व ये सब भाव आश्रम है। भाव आश्रम के निमित्त से द्रव्याश्रम होते हैं। तो यहाँ पंडित जी साहब ने स्पष्ट किया कि आश्रम की जब कारणों की चर्चा चलती है, आश्रम बंद के कारणों की चर्चा चलती है, तो ये ऐसी बात नहीं है जानता नहीं है कारण, ये जानता है। ये मतलब हम जानते हैं, अज्ञानी जानता है, हम सब जानते हैं। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंधन के कारण है, या इन्होंने प्रमाद को गौण कर दिया। मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग ये आश्रम बंद के कारण है, ठीक है सर, ये सब जानते हैं अपन। तो पंडित जी साहब यहाँ कहना चाहते हैं कि तू जानता तो है ये आश्रम है पर आश्रम से बचना भी चाहता है, तो क्या करना पड़ेगा? मिथ्यात्व से बचो, अविरति से बचो, कषाय से बचो और योगों से बचो। तो बोले मिथ्यात्व छोड़ो, अविरति छोड़ो, व्रत ले लो, कषाय मत करो और योगों से स्थिर हो जाओ, फिर आश्रम नहीं होगा। तो पंडित जी साहब ने आश्रम तत्व संबंधी भूल बताते हुए ये कहा कि तू ना मिथ्यात्व को समझ रहा है, ना अविरति को समझ रहा है, ना कषाय ना योग, इनको समझ नहीं रहा है। बाह्य मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, कल चार भागों में बांट दिया ना इस बात को, बाह्य मिथ्यात्व को ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, लेकिन विषयों में सुख बुद्धि जो मिथ्यात्व है, भोगों में आनंद जो मिथ्यात्व है, शरीर में एकत्व बुद्धि जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व को नहीं पहचानता। ये मिथ्यात्व संबंधी आश्रम तत्व संबंधी भूल। अविरति संबंधी बाह्य व्रताधिक अंगीकार करने को ही ये समझता है कि मैं अविरति का पालन कर रहा हूँ, व्रत का पालन कर रहा हूँ, अविरति से बच गया। जबकि बहुत सुंदर वाक्य था, हिंसादि में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका विचार नहीं है। कल की बात याद है क्यों? लास्ट में चर्चा की थी इस लाइन के बारे में खूब। विषय सेवन में ये दिख नहीं रहा है उसको, ये सोच रहा है मैंने विषय सेवन का त्याग कर दिया तो अविरति से बच गया, अब आश्रम नहीं होगा, विषय सेवन नहीं कर रहा हूं मैं, अविरति से बच गया, और हिंसा नहीं कर रहा हूं,
हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, मैं हिंसा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता है, मैं कुशील सेवन नहीं करता, मैं परिग्रह से भी बच गया हूँ, तो मैं पांच पाप से भी दूर हो गया हूँ। तो पाप से भी दूर हो गया, पंचेंद्रिय विषयों से भी बच गया, अब तो मेरे अविरति संबंधी कर्मों का आश्रव नहीं होगा। जबकि क्या कह रहे हैं, तू प्रवृत्ति से तो बचा है, अंदर में जो तेरे भाव चलते हैं उसको तू अविरति नहीं समझ पा रहा है। हिंसा की प्रवृत्ति से तो बच गया, लेकिन अंदर में जो भाव आ रहा है, द्वेष का भाव आ रहा है, कषाय का भाव आ रहा है, नाराजगी का भाव आ रहा है, बिगड़ने का भाव आ रहा है, वो हिंसा है, वो नहीं दिख रहा है हमारे को। प्रमाद परिणति स्वरूप के प्रति असावधानी, उसका नाम असली प्रमाद है, वो हिंसा है। आत्म परिणाम हिंसे ने हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेतत्। आत्म परिणामों की हिंसा होने से सभी कुछ तो हिंसा है। अन्यत्र वचनादि केवलम उदाहरतम शिष्य बोधाय, शिष्यों को समझाने के लिए बाकी सारी बातें की है, असली बात तो ये है आत्म परिणामों की हिंसा शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का घात, वो असली हिंसा है, उस प्रमाद परिणति को नहीं पहचानता। अंदर में जो धारा बह रही है खाने की पीने की भोगने की, जो इच्छा की जो धारा बह रही है, उस धारा को नहीं पहचान रहा है, उस धारा को पकड़ नहीं पा रहा है, उसे समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा है, और समझ रहा है मैंने त्याग दिया, मैंने मीठे का त्याग कर दिया। वेरी गुड, अच्छी बात है, मीठे का त्याग कर दिया। कब कर दिया? डॉक्टर ने बंद करा दिया, बोला नहीं छोड़ दिया। अब ये जो तूने छोड़ दिया है, तेरे दिल से पूछ, क्या जब भी डॉक्टर के जाता है तो ये पूछे डॉक्टर साहब और कितने दिन है? और कितने दिन मिठाई नहीं खानी है, और कितने दिन गुड़ नहीं खाना है, और कितने दिन फीकी चाय पीनी है, और कितने दिन रसगुल्ला नहीं खा सकता है? ये डॉक्टर से पूछता है कितना समय। इसका मतलब ये है कि तू नहीं खाते हुए भी तेरे अंदर में खाने का परिणाम निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। क्या इसलिए कितना सुंदर वाक्य था, मुझे तो पंडित जी साहब की इन पंक्तियों में इतनी गहराई दिखती है। क्या गहरा, इनकी इनका चिंतन बड़ा गजब का है। बोले विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, मूल मतलब जड़, जड़ तो वहां है, जड़ तो अभिलाषा है। अंदर से इच्छाएं मिटे, अंदर से प्रमाद परिणति मिटे, तो अविरति टले। अविरति कैसे टलेगी? अब अंदर से प्रमाद परिणति नहीं छूटी, अंदर से विषय सेवन का भाव नहीं टूटा। अंदर से टूटे तो बाहर में ब्रह्मचर्य होता है, अंदर से टूटे तो बाहर में अणुव्रत महाव्रत आदि होते हैं। और बाहर में यदि जबरदस्ती पालन करने का प्रयास करे तो कह रहे हैं अंदर की परिणति मूल है, तेरे इस त्याग को त्याग नहीं कहते। तो रोज ही चलता है कि आदमी अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना अच्छा नहीं है, ये तो द्वेष बुद्धि से भी हो जाता है, ये तो रुकता ही नहीं, द्वेष बुद्धि से भी हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, भरत जी ने, भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीत लेने के उपरांत भी चक्र का त्याग किया था कि नहीं? बाहुबली को दे दिया था ना, ठीक है मैं छोड़ता हूं, तो छोड़ा था उसको, तो द्वेष भावना थी, वो तो परिणाम ऐसा था कि नहीं चाहिए मुझे ऐसे ऐसे चक्र, जो भी भाव हो, हाँ चाबियां फेंक देते संभालो, तो इसका मतलब क्या, दिए दिए उन्होंने, इंटेंशन की है बात, तो अंदर भावों में क्या चल रहा है उसकी है। कितना सुंदर ढंग से इन्होंने अविरति की बात को समझाया है, अविरति से होने वाले कर्म आश्रमों को समझाया है। इसी तरह से कषायों की बात लगाना, क्रोधाधिक कषायों की चर्चा, ग्राहक दुकान पर कितना भी उल्टा सीधा करे हैं, लेकिन ऐसे मुस्कुरा करके बात करते हैं जैसे सारा जीवन में धर्म हमारे उतरा है। बोलो कैसा लगता है? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ग्राहकों से बात करते समय और 1 घंटे तक साड़ियां फैला रहा है, कपड़े फैला रहा है, ये दिखाओ वो दिखाओ, ऐसा नहीं ऐसा दिखाओ, 1-2 घंटे और फिर कुछ नहीं, और बिना लिए हुए चला गया, कोई बात नहीं, और फिर भी कोई बात नहीं, और कदाचित वो ये वाक्य कह देगी आपको परेशानी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है। अंदर में कितना क्रोध आ रहा है, तो 1 कषाय के कारण, लोभ कषाय के कारण, मान कषाय के कारण क्रोधाधिक नहीं करता हुआ दिखाई देता है, अंदर में वर्तने वाली राग द्वेष रूप परिणति को नहीं पहचान पा रहा है, और ये समझ रहा है मैं तो अकषायी हो गया,
जबकि कषाय का अभाव तो दसवें गुणस्थान में जाकर के होगा, दसवें गुणस्थान के अंत में जाकर के होगा। लोभ तो वहां जाकर के मिटता है, अविरति का अभाव तो छठवें सातवें गुणस्थान में होगा, मिथ्यात्व का अभाव तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति पर होता है। ये ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग को मिथ्यात्व का त्याग समझता है, ये सब भूले हैं, ये इस भूल को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। सात तत्वों के संदर्भ में यदि भूल बनी रहेगी तो मिथ्यात्व बना रहेगा, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रारंभ नहीं होगा। देखो अंतिम इसी संबंध में आश्रव तत्व संबंधी भूल का अंतिम पॉइंट, चौथा पॉइंट कल पढ़ा नहीं था, हाँ, जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्वादी रूप रागादि भाव हैं। देखो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूप आदि आदि में बोल दिए मैंने सब, रागादि भाव हैं, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव हैं अंतरंग वाले, असली में तो वो आश्रव भाव है। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है, उनकी पहचान नहीं है इसलिए आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धान नहीं है। यह आश्रव तत्व के संबंध में भूल है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बंध तत्व की चर्चा भी कर ले रहे हैं, आज जुड़ी हुई है चर्चा आश्रव और बंध, एक ही सिक्के के पहलुओं जैसे हैं, सजे हैं। आश्रव पूर्वक बंध नियम से होता है, वो ईर्ष्यापद आश्रव की बात छोड़ देना, अरहंत दशा में ग्यारहवें बारहवें तेरहवें गुणस्थान में उनमें जो ईर्ष्यापद आश्रव हो रहा है वो अकषायी जीव हैं, इसलिए वो आश्रव बंध करने में समर्थ नहीं है, एक समय मात्र का आश्रव है, वो बंधन ही नहीं है, कषाय भाव नहीं है तो स्थिति अनुभाग पड़ता नहीं है, समय मात्र में छूट जाता है। अच्छा लगना और बुरा लगना ये आश्रव है, प्रभावित है, हाँ, बाहर में अच्छा बुरा लगना ये आश्रव है, और स्वभाव अच्छा लगे और स्वभाव अच्छा लगने पर स्वभाव के अवलंबन लेवे तो फिर आश्रव छूट जाता है। वीतराग दशा वो निराश्रव है, रागाधिक वो आश्रव है, हमारे भगवान निराश्रवी है क्योंकि भगवान की वीतराग दशा है। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते इसलिए निराश्रवी हो गए, ठीक है, और राग द्वेष काम आदि चल रहे हैं इसका मतलब कर्मों का आश्रव भी चल रहा है, संसार दशा बढ़ रही है, अभी बढ़ती रहेगी। देखिए फिर अभी संवर वगैरह में करेंगे चर्चा, यही क्योंकि आश्रव निरोध है संवर है, चर्चा वैसी आएगी ना, फिर असली संवर किसका है, बाहरी कर्मों को रोक सकता है कि नहीं, कैसे क्या, वो चर्चा करेंगे अपन आगे संवर तत्व के संबंध में। अभी तो बंध तत्व संबंधी बात शुरू करते हैं हम, उसके बारे में हमारी क्या भूल है। बंध तो जानते हैं ना, बंध तो जानते हैं, बंध क्या चीज है, वो जो आए थे कर्म, जो हमारे राग द्वेष के कारण जो कर्म आए थे राजन जी, उन कर्मों का क्या हुआ, आए और आकर के रुक गए, वो बंध। कर्म कर्मों का आना वो आश्रव, और आकर के चिपक जाना वो बंध, ये द्रव्य बंध। और आत्म प्रदेशों की वो राग की स्निग्धता वो भाव बंध, उससे ही तो बंधेंगे, चिपके कैसे रहेंगे, आत्मा से कैसे चिपकेंगे, आत्मा मूर्ति के कर्म मूर्ति के, आत्मा स्पर्श स्वभावी है, कर्मों में स्पर्श रस गंध वर्ण है, कैसे कैसे चिपकेंगे वो। तो आत्मा की विकारी परिणामों की स्निग्धता उससे चिपकते हैं वो कर्म, तो ये बंध है। तो बोले इसमें मेरी भूल क्या है, कर्म आते हैं बंधते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है, इसमें कहां मिसअंडरस्टैंडिंग कहां हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो बंध की थोड़ी डिटेलिंग करने पर होगी, कैसे, थोड़ा सा बंध तो अच्छा है क्या, कुछ बंध बुरा है और कुछ बंध अच्छा है, ऐसी भजन की पंक्तियां आपने कई बार सुनी होगी, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो प्रभु के गुण गा लो, चलो जी समेद शिखर चालो, सुनिए क्या, सबने सुनिए, खूब सुनिए, तीर्थ कर लो पुण्य कमा लो
प्रभु के गुण गा लो, तीर्थ कर लो और क्या कर लो, पुण्य कमा लो। पुण्य कमा लो का मतलब इसको यदि शास्त्रों की भाषा में कहूं तो पुण्य बांध लो। क्या पुण्य बांध लो, ये तो है। तीर्थों पर जाओ, वंदना करो, क्षेत्रों पर वंदना करो, जाओ है पूजन करो, पाठ कर लो, पूजा पाठ रचाओ मेरे भगवान के। किस लिए? पुण्य कमा लो। पुण्य कमाने का अवसर आया है, बड़े भाग्य से ये पुण्य कमाने का अवसर आया है, ये पुण्य बंध का अवसर आया है, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, ये जो लाइन कही गई है, ये लाइन अच्छा समझ के कही गई है कि खराब समझ के? अच्छा समझ के ही कही है ना, कि भाई तीर्थ करो, पुण्य बांधो, खूब पुण्य बंधेगा, आओ आओ खूब पुण्य बंधेगा, आप दान दो खूब पुण्य बंधेगा, खूब पुण्य बंधेगा, तो अच्छा है ना। ये क्या कह रहे, बंधे बंद बंद बंधेगा बंधेगा बंधेगा, तेरी दृष्टि बंद पर क्यों नहीं जा रही है, क्या हो गया तुझे? ये बंद तत्व संबंधी भूल है। लाइनें पढ़े है? देखो, पाप बंद के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, ठीक है। पाप बंद के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंद के कारण शुभ भावों को भला मानता है। जो पुण्य बंधन के कारण है, ऐसे शुभ भावों के बारे में क्या कहता है? भला है, बहुत अच्छा है, उसको भला मानता है। पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को, तेरे इतनी सी समझ में नहीं आ रही है, इन भावों से क्या होगा? ये सब पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से। पुण्य से हो स्वर्ग, ठीक है ना, तो इसलिए क्या करना, मुझे जाना है स्वर्ग तो क्या करना, कि पुण्य करो, स्वर्ग जाना है कि नहीं। नरक निवास होवे पाप से, तो पाप नरक में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, बोलो बोलो कहाँ जाना है? अरे भाई क्या बात करते हो, स्वर्ग में जाएंगे हम तो, स्वर्ग में जाएंगे कि जिन्हें स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। बोलो, जिन्हें मोक्ष जाने की भावना होती है, जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, यदि तद्भव मोक्ष की प्राप्ति ना होवे तो स्वर्ग बीच में आए बिना रहता नहीं है। क्या मोक्ष जाने की भावना हो और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करे, वीतराग भाव से जीवन जीवे, तो स्वर्ग की अवस्थाएं बीच में आए बिना रहती नहीं है। स्वर्ग भी आएगा, लेकिन जिनकी स्वर्ग जाने की ही इच्छा हो, तो इसका तो अर्थ यह है कि संसार की इच्छा है। जब मैंने चार गतियों वाला पाठ पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने एक बात कही थी, बहुत बरसों से कहता हूं मैं, पहले तो बहुत कहता था कि आपको स्वर्ग जाना है ना, चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग की बात तो छोड़ो, पहले हमें एक बात बतलाओ कि संसार में सुख है या नहीं है। बोलो साहब, आपका क्या कहना है? सुख नहीं संसार में, सुख नहीं, सही जवाब है आपका। संसार में सुख है कि नहीं है, बोलो भैया है? इसीलिए संसार में बैठे हो? जब तक संसार में सुख दिख रहा है तब तक संसार बना रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं, आप घबराओ मत। आपका संसार तब तक बना रहेगा जब तक संसार में सुख दिखता रहेगा। चलो, कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी शास्त्र स्वाध्याय करके बात करेगा तो यही कहेगा, इस संसार में सुख नहीं है। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा। क्या या में सुख नाही, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, संसार में सुख नहीं है। चलो, एक तो फैसला हो गया, संसार में सुख नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूं, स्वर्ग संसार में है या संसार से बाहर है? चारों गतियां संसार ही है ना, तो स्वर्ग भी संसार में ही है। अभी तो आप कह रहे थे संसार में सुख नहीं है, फिर स्वर्ग में
इन सब संसार में तो नहीं है लेकिन स्वर्ग में तो होगा। अरे जब संसार में सुख नहीं है तो स्वर्ग में सुख कैसे होगा? क्या तो इस पुण्य से स्वर्ग मिलता है? वही तर्क जो मैं देता हूं हमेशा कि ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति पुण्य को क्यों नहीं चाहते, शुभ भावों को क्यों नहीं चाहते, उनकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते? क्योंकि जिस भोग सामग्री को उन्होंने तुच्छ समझकर, हे समझकर त्याग किया था, अब उससे जो पुण्य बंधता है उस पुण्य से वही भोग सामग्री और ज्यादा मिल जाती है। क्या करूं मैं उस पुण्य का, उस पुण्य की जरूरत क्या है मेरे को? उस पुण्य से वही चीज और ज्यादा मिल जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूं? चाहिए आपको पुण्य? ये सब पुण्य क्यों बंधा? कि पुण्य इसलिए बंधा कि तूने आलू का त्याग किया, तो आलू का त्याग करने से जो पुण्य बंधा उससे और आलू मिल जाएंगे, क्या करेगा बोल? चाहिए ऐसा पुण्य? कि पंचेंद्रीय भोगों का त्याग किया मैंने, कि भोगों का त्याग किया तूने, तो भोगों का त्याग किया तो इससे पुण्य बंधा, तब इस पुण्य से क्या होगा? बोले और भोग सामग्री मिल जाएगी। समझे? आलू से आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे तो जिस भोग सामग्री का त्याग करने से पुण्य बंधा है उस पुण्य से भोग सामग्री और ज्यादा मिल जाएगी। तो ज्ञानी सोचता है मुझे तो पहले ही नहीं चाहिए थी, और ज्यादा मिलेगी, ऐसे पुण्य का क्या करूं मैं, मुझे नहीं चाहिए पुण्य, इस पुण्य की मुझे जरूरत नहीं है, इस पुण्य की उपयोगिता क्या है? मतलब ये पाप को तो बुरा समझता है और पुण्य को भला समझता है। पुण्य को भला समझने का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? पुण्य को भला समझने का सीधा सीधा सा अर्थ होता है भोगों को अच्छा समझना। भोगों को अच्छा समझना, क्योंकि पुण्य से तो भोग ही मिलते हैं। पुण्य के उदय से भगवान नहीं बना करते, पुण्य के उदय से वीतरागता नहीं होती है, पुण्य के उदय से अनुकूलताएं मिलती है। इसका मतलब तुम्हें पर वस्तुओं में सुख बुद्धि है, तुम्हें संयोग चाहिए, तुम्हें साधन चाहिए, इसलिए तुम इस प्रकार की बात करते हो। जिसको पुण्य उदय में आता है वो तो सुख सुख में संसार में सुखी नजर आएगा। हाँ लगता है ऐसा, तो वो भ्रम है ना, सुखावास है। पुण्य के उदय में संसार दशा में सुखी होते हुए जीव दिखाई देते हैं, लेकिन कितने जीव सुखी हैं? जो जो आपको सुखी दिखाई देते हैं ना, क्या बस आपको दूर से ही लगते हैं, उनके पास में जाकर के देखने की कोशिश मत करना, मैं तो ये कहता हूँ। आप नजदीक जाकर के देखोगे तो आपको पता लगेगा कौन कितने सुखी है। घर घर की कहानी है क्या, कौन कितने सुखी हैं क्या, लेकिन सबको दूसरे सुखी दिखाई देते हैं और अपने आप के बारे में स्टेटमेंट होता है मेरे से ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है दुनिया में। मेरे से ज्यादा दुखी कौन होगा क्या? हमारी बहू जैसी दूसरी बहू हो ही नहीं सकती, मेरे बेटे जैसा नालायक तो कोई दूसरा नहीं है, हमारे भाई जैसे दुश्मन तो हो ही नहीं सकते हैं। एक बार वो जो था ना रावण का भाई विभीषण, वो भी अच्छा था, लेकिन मेरे भाई तो हमारे बच्चे जैसे नालायक तो, हमारे माँ बाप जैसे बुरे तो कोई दूसरे, तेरे को यही दिख रहे क्या? अपने ही लोग तेरे को बुरे दिख रहे। वो तो देखो उसके पिताजी तो कितने अच्छे, देखो उसका भाई कितना अच्छा है, देखो उसकी पत्नी कितनी अच्छी है, देखो उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, देखो वो तो तुम उनके नजदीक जाकर के देखोगे तो तुम्हें असलियत का पता लगेगा। या संसार में कोई पड़ोसी सुखी है, गहराई में देखोगे तो कोई पड़ोसी सुखी नहीं है, गहराई में जाकर के देखोगे तो कोई सुखी नहीं दिखाई नहीं देता है। ये ऊपर ऊपर से देखने पर क्या मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, अंदर में कषाय परिणाम, अंदर में राग परिणाम, अंदर की विकृति, अंदर की वेदना, अंदर की कषायें, खुद की खुद ही जानते हैं, स्वयं भोगते हैं और परमात्मा जानते हैं, क्या करें क्या? आपके सामने तो अच्छे अच्छे दिखाई देंगे, डबल रोल चल रहा है क्या? ये डबल रोल चल रहा है, दुनिया के सामने कुछ है और घर में कुछ, तो घर में कुछ और बाहर कुछ, ये क्या होगा बोलो ऐसे रोल का, ये डबल रोल का क्या रिजल्ट निकलेगा? ये संसार दशा चल रही है, ये बंद तत्व ये कह रहा है कि पाप भला नहीं था तो पुण्य भी भला नहीं है, पुण्य भी भला नहीं है, क्योंकि ये दोनों काम एक जैसा ही करते हैं, ये दोनों काम एक जैसा करते हैं, ये दोनों एक ही डाकू के वो है काम करने वाले, डाकू के दो चेहरे। हाँ ये एक ही डाकू के दो चेहरे हैं, ये लुटेरे हैं, ये वेश दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन काम दोनों का एक ही है।
बांधने का। देखो करो ही मत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले पाप से छूटो। क्या वो गड़बड़ हो गई? अभी कहते पुण्य छोड़ने की बात करता है ना ये, छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, कब छूटे वो दिन कब आए, लेकिन छूट करके पाप में चला जाए तो और ज्यादा खराब स्थिति हो गई। अच्छा मैं तो इतने सालों से कह रहा हूँ, 25 साल तो हो गए मुझे यहाँ कहते कहते है? इसी मंदिर में यहीं पर, कि पुण्य करने में धर्म नहीं है, मंदिर आने में धर्म नहीं है। उसके बावजूद मेरे वाक्य को सुनकर एक व्यक्ति ने मंदिर आना नहीं छोड़ा। मतलब अब किसी व्यक्ति को, कोई जो यहाँ नहीं आते हैं उनको ऐसा भ्रम हो जाए कि ये पुण्य छुड़ाते हैं, ये पुण्य छुड़ाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हम पुण्य के प्रति चैंट छुड़ाते हैं, हम पुण्य के प्रति आसक्ति छुड़ाने की बात करते हैं। हम पुण्य करते हुए व्यक्ति को ये कहते हैं आगे बढ़ो, इसमें अटको मत, इसमें संतुष्ट मत हो। ये मत समझो कि मैंने 2 लाख रुपया दान दे दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये मत समझो कि मैंने 3 दिन का अनुष्ठान करा दिया तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया, ऐसा मत समझो। आगे बढ़ने के लिए है भाई साहब, ये अटकने का स्थान नहीं है। इसलिए हम ये बात कहते हैं, हम इसलिए ये बात कहते हैं कि आप यदि रोजाना मंदिर आ रहे हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो ये मत समझ लेना कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट क्या निकला, आगे बढ़े के नहीं, बहुत कुछ सीखना है अभी, बहुत कुछ आगे बढ़ना बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी जीवन में बहुत कुछ बदलना बाकी है, परिवर्तन होना बाकी है। अभी तो मार्ग है, अभी तो शुरुआत नहीं हुआ मोक्ष मार्ग, और तुम ये सब छोड़ने की बात कर रहे हो। देखो ये जो होते हैं ना सर्कस में, जो इधर से उधर कूद जाते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, इधर से चलान लगाए उधर, वो आगे वाले को पकड़ ले वे, तब तो इसको छोड़ने की सार्थकता है, और ये तो छोड़ दे जहाँ हो और आगे वाली चीज पकड़े ही नहीं, तो बोलो क्या होगा। छोड़ो साहब छोड़ो। देखो जब ट्रेनिंग चल रही थी उनकी, इधर से उधर जाना है तो ये सिखाया था, पहला काम है तुम्हारा छोड़ना। क्या तो ये कहे व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति, कि ठीक है साहब अभी मैं इतना ही सीखूंगा, पहले छोड़ना है, कि नहीं नहीं आगे वाली बात सीख। क्योंकि जब तक पकड़ने की बात नहीं सीखेगा तब तक इस छोड़ देगा तो नीचे गिरेगा। हम ये बात जो कह रहे हैं कि ये शुभ भाव छोड़ने योग्य है, ये पुण्य बंधन में त्यागने योग्य है, ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वितराग भाव पकड़ने योग्य है। अब यदि तुमने वितराग भाव को पकड़ने योग्य नहीं समझा और इस पुण्य भाव और शुभ भाव को छोड़ दिया, तो हम गारंटी देते हैं कि तुम इस पुण्य से छूटकर पाप में चले जाओगे, वो पाप कभी नहीं छूटेगा आपका। देखिए जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, जब हम घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, तो घर के अंदर एसी लाइट ये सब बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? लाइट पंखा ये सब बंद होंगे कि नहीं होंगे? और ताला लगाएंगे कि नहीं? घर से जाएंगे तो ताला भी लगाएंगे, दोनों लगाने लायक है। अंदर के लाइट पंखे भी बंद करने योग्य है और ताला भी बंद करने योग्य है, लेकिन पहले कैसे बंद करना? यदि आपने पहले ताला बंद कर दिया तो लाइट पंखे बंद होंगे ही नहीं, मीटर चालू है। क्या मीटर चालू रहेगा? और यदि आपने लाइट पंखे बंद कर दिए और सोचा अब एक तो कर ही दिया ताला, क्या बंद करना, तो भी मूर्ख है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं, आपने पाप भाव तो छोड़े नहीं, आप हिंसादिक से तो निवृत्त हुए नहीं, और आप स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियों का आपने त्याग कर दिया, तो हिंसादि पाप कभी नहीं छूटेंगे। पहले ताला लगा दिया तो कभी नहीं छूटेंगे, क्रम है, छोड़ने का क्रम है, त्याग करने का क्रम है, लेकिन त्याग करने योग्य दोनों है। जब आपको जाना है कहीं बाहर, तो श्रद्धा में ये बात बराबर रखना कि देखो भाई चलते समय लाइट पंखे भी बंद करने और ताला भी लगाना है, ये फर्स्ट स्टेप पे जाना है अपने को, दोनों काम करने, काम होगा सीरियल से, काम होगा क्रम से, लेकिन श्रद्धा है पहले एक साथ कि बंद करके जाना है, रूम के लॉक लगा करके जाना है, और विचार भी करता है लगाया कि नहीं लगाया, श्रद्धा है बराबर, ये श्रद्धा बराबर रखना। अच्छा बतलाओ, अभी आपने यदि ये कोट पहन रखा है और शर्ट भी पहन रखा है, तो बोलो पहले कोट उतरेगा कि पहले शर्ट उतरेगा?
क्रम तो यही है कि पहले ऊपर कोट उतरेगा, इसका मतलब मोटा पाप पहले छूटता है, बारीक अंदर से छूटेगा। पाप भी छोड़ने योग्य है लेकिन शुभ भाव भी छोड़ने योग्य है क्या? अच्छा, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं, पंडित जी देखो आप कुछ भी कहो, कितनी भी बातें कहो, लेकिन एक वाक्य ये भी तो कह दो ना, पाप से तो भला है क्या? थोड़ा सा हमें संतुष्टि मिल जाएगी क्या? तो कभी कभी ये भी कह दिया करो, पाप से तो भला है क्या, और अच्छा तो है सब, तो चलो कोई बात नहीं। कॉलेज में बहुत पुरानी बात है, हम जब बैठते थे संस्कृत कॉलेज में बैठते थे साथियों के साथ में, तो ऐसा कहते थे, तो मैं एक तर्क उनको देता था हमेशा कि अच्छा चलो ठीक है, भला है, अच्छा है, पाप से अच्छा है, कितना अच्छा है, 10 गुना अच्छा है, तो मैं कहूँ चलो 100 गुना अच्छा है। अब तो खुश हैं आप, पाप से पुण्य कितना गुना अच्छा है, 100 गुना अच्छा है। अब मेरा एक कथन है आगे, पाप कितना अच्छा है, पाप कितना अच्छा है, बोले पाप भी कोई अच्छा है क्या? पाप तो कुछ भी अच्छा नहीं है, पाप तो कितना अच्छा है, जीरो। तो पुण्य कितना अच्छा है, उससे 100 गुना, 1000 गुना, पाप से कितना गुना अच्छा है, कह रहे हो आप? दोनों संसार के कारण है, दोनों बंधन के कारण है, फिर साहब उससे तो अच्छा। हाँ हाँ, कभी कभी कहीं कहीं इसे पुण्य को मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने के मार्ग में सहयोगी जानकर भला भी कह दिया जाता है, लेकिन यदि आप संतुष्ट मान करके अटक गए तो महा अनर्थ हो जाएगा। मूर्ख हो आप इन वितरागी संतों, इन आचार्यों की दृष्टि में। यदि आप पुण्य को भला मानते हो तो मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो। आपकी दशा तो उसी पागल विद्यार्थी जैसे है जो परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया, दुखी हो रहा था, और जब वो आ रहा था तो घर के बाहर मोहल्ले में 4 लोग खड़े थे, और उनमें से एक ने कहा कि ये फेल हो गया, तो दूसरे व्यक्ति ने ये कहा, अरे ये तो फिर भी एक ही सब्जेक्ट में हुआ है, उसको देखो ये तो फिर भी बहुत अच्छा है, वो तो 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। क्या क्या कहा? ये तो बहुत अच्छा है, उससे तो है एक ही में हुआ है और वो 3 में हुआ है। ये जब उस विद्यार्थी ने सुना तो बाजार से मिठाई ले आया। क्या किस बात की मिठाई खिला रहा है? उससे तो बहुत अच्छा हूं। क्या उससे तो बहुत अच्छा हूं? अरे तू उससे कितना भी अच्छा हो लेकिन क्लास से ऊपर तो नहीं चढ़ा, उससे अच्छा होना वो क्या काम आया तेरे? ये शुभ भाव तुम्हारे तब सहयोगी कहलाएं जब वीतराग दशा प्रकट हो जाए, तो हम कहें कि पाप से बचकर के पुण्य में आए, शुभ भाव में आए, और शुभ से भी बढ़कर के आगे क्लास आगे बढ़ गई तो इसकी उपयोगिता है, और क्लास आगे नहीं बढ़ी तो इसकी कुछ उपयोगिता नहीं है। ये पागलपन ये उसी तरह से है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, यहां से बाहर जाते रहते हैं आप, तो बहुत जाते हैं, आप भी बहुत जाते हैं साहब, ठीक है ना? आप यहां से जा रहे हैं, मान लो चलो शादी में जा रहे हैं कहीं, क्या मैं भी जाता हूं बहुत क्या? लेकिन मैं तो आपके बारे में पूछना चाह रहा हूं ना, देखें आप लोगों का क्या निर्णय है। यहां से हमें जाना है, अटैची पैक करके तैयार करके हम लेकर के गए, शादी में जा रहे हैं कहीं बाहर, तो ट्रेन में जाते समय अटैची चोरी हो जाए, तो जाते समय अटैची चोरी होना अच्छा है कि आते समय चोरी होना अच्छा है? बोलो है? अच्छा हुआ ऐसा कि जब वापस लौट रहे थे, क्या तो वापस लौट रहे थे तो अटैची चोरी हो गई वापस लौटते समय, अब चोरी हो गई, बहुत आकुलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो किसी व्यक्ति से पूछा, क्या बातचीत हुई, तो जब पता चला तो उसने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? घर ही जा रहा हूँ। कोई कीमती सामान था? कहीं कीमती तो नहीं था, कपड़े ही थे, लेकिन चोरी हो गए, क्या करें? बोले भाई साहब ये तो बहुत अच्छा हुआ, यदि जाते समय हो जाता तो वहां क्या करते? क्या बोलो, बात सही है कि नहीं? क्या
यदि जाते समय चोरी हो जाता तो वहां क्या करते? ये तो बहुत अच्छा हुआ आपका कि आते समय चोरी हुआ, अब ये घर आकर के पड़ोस में मिठाई बांटेगी, आज तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ में। कि क्या बहुत अच्छा हुआ कि वापस लौटते समय चोरी हुआ सामान, क्या मूर्ख है कि समझदार है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, जाते समय चोरी हो और आते समय चोरी हो, दोनों में से कौन सा अच्छा है? अच्छे तो दोनों ही नहीं है, पहला वाक्य, अच्छे तो दोनों ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यदि परिस्थिति बने तो उसकी तुलना में इसे बेटर कहा जाता है, कहा जाता है, लेकिन अच्छे तो दोनों ही नहीं है। यही स्थिति पाप पुण्य के संदर्भ में, भाई साहब इतनी मोटी मोटी बात हमारे को समझ में नहीं आ रही। ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो यही सोचता है, बंधन तो अच्छा ही नहीं है, बंधन तो अच्छा ही नहीं है, चाहे पुण्य का बंधन हो चाहे पाप का बंधन हो, समझदार व्यक्ति कभी भी बंधन को अच्छा नहीं कह सकता है। लेकिन ना समझ व्यक्ति क्या करता है, पुण्य करके समझ लड्डू बांटता है पुण्य करके। बोलो, आप नहीं बांटते? विधान कराया आपने, आप नहीं बांटते? मिलने वालों को मिठाई बांटते हैं, कहते हैं साहब हमारे तो इतना अच्छा हमने आयोजन कराया था, आस पड़ोस सबके अंदर मिठाइयां बांटते, खुशी का प्रसंग है, ये खुशी का प्रसंग नहीं है, ये बंधन है, ये महाबंधन है, ये पाप है, ये अपराध है, ये पाप के समान ही है। योग सार 71 नंबर की गाथा में कहते हैं योगेंदु देव, आप देखो योगेंदु देव क्या कह रहे हैं, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, हर पाप को सारा जगत बोलता है कि ये पाप है, हर पाप को सारा जगत ही बोलता यह पाप है, पर कोई विरला बुद्ध कहे कि पुण्य भी तो पाप है, पुण्य भी तो, कोई विरले कहते हैं, कोई ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कहते हैं। आचार्य कुंदकुन स्वामी प्रवचन सार 77 नंबर गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ 77 नंबर गाथा में कहते हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, क्या कहा, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, ये सच्चाई है, पुण्य और पाप में अंतर नहीं है, ये सच्चाई है, पुण्य और पाप दोनों एक समान है, ये सच्चाई है। मूल गाथा में 2000 साल पहले कुंदकुन स्वामी क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये, कोई व्यक्ति इस बात को नहीं माने तो क्या उन्होंने आदेश दिया, क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला दूसरी लाइन में, संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आछिन्न वे। जो व्यक्ति पुण्य और पाप को समान नहीं मानता है संसार में रुलेगा, संसार में परिभ्रमण करेगा, भटकेगा, अनंत संसार उसका खड़ा हुआ दिखाई देगा। हम कौन कहने वाले पुण्य को, ही कहने वाले आचार्य कुंदकुन स्वामी कह रहे हैं, संसार सागर में भ्रमेगा, रुलेगा संसार सागर में। बोलो, ये कितनी गहराई लिए हुए बातें, पुण्य पाप के संदर्भ में जो भ्रांति है, इनमें जो द्वैतपना खड़ा कर दिया है, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ये पाप बंधन को बुरा और पुण्य बंधन को यदि आप भला मानते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और देखो क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप का भेद तो अगाथी कर्मों में है। पूरा करता हूं विषय को, क्या करूं, समय की सीमा है अपने पास में। पुण्य पाप का भेद तो अगाथी कर्मों में है, घातिया तो पाप रूपी है। बोलो क्या क्या बात कह रहे हैं, शुभ भाव आपको अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत मार्मिक तर्क दिया है। तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं, शुभ भावों के काल में भी। अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं, मतलब पूजा कर रहा हूँ ज्ञानावरण बंध रहा है, बिल्कुल ये नियम है, ये तो शास्त्रों का नियम है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछें, किसी भी विद्वान से चर्चा करें, किसी भी परंपरा के किसी भी विद्वान से पूछें कि हमारे प्रति समय कितने कर्म बनते हैं, तो जवाब आएगा 7 कर्म बनते हैं, आयु कर्म को छोड़कर। 8 है ना कर्म, 8 में से आयु बंधेगा लाइफ में एक टाइम, एक बार आयु कर्म बंधेगा लाइफ में एक बार, बाकी के 7 कर्म नॉन स्टॉप
पूजन करते समय भी, पिक्चर देखते समय भी, टीवी देखते समय भी, नहाते धोते समय भी, प्रवचन सुनते समय भी, मंदिर आते समय भी, व्रत उपवास आदि कर हर समय नॉन स्टॉप सात कर्म बन रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सुनो, सात में से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये जो चार हैं, बोले ये तो पाप ही है, हर समय बन रहे हैं, हर समय बन रहे हैं, कुछ भी काम कर दो, नाम गोत्र और वेदनी क्या, ये भी हमेशा बन रहे हैं, इनमें नाम गोत्र वेदनी आई हुई, इनमें पुण्य पाप का बंटवारा है और ये सब पाप रूप है। तो आपके प्रति समय मंदिर आने के भावों से भी, शुभ भावों से भी, ये घातीय कर्म तो बन रहे हैं, माने पाप तो बन रहा है, मंदिर आने के भावों से भी, हाँ पुण्य भी बन रहा है, लेकिन इन अघातीय कर्मों में, माने पुण्य के काल में भी, शुभ भाव के काल में भी पाप बन रहा है। ये कर्णानुयोग का नियम है, ये शास्त्रों का नियम है, ये कर्मकांड सब जगह मिलेगी आपको चर्चा, किसी से भी चर्चा कर लो कि शुभ भाव के काल में ज्ञानावरणी बन रहा है या नहीं, शुभ भाव के काल में दर्शनावरणी मोहनी अंतराय बन रहा है कि नहीं, वो कहेंगे बन रहा है। ओहो, इस पुण्य का क्या करूं मैं, इन शुभ भावों का क्या करूं, जिन शुभ भावों के काल में वो घातिया कर्म बन रहे हैं, क्या हो गया? समझ समझ के कर रहे हैं तो पाप जो है, तो भी भाव तो मन में नहीं आ रहे ना, तो भी ये शुभ भाव तब भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय तो बन ही रहे हैं, आप समझ करके कर रहे हैं तो तीव्र पुण्य भी बांध रहे हैं साथ में, लेकिन पाप भी साथ में बन रहा है, दोनों चीजें चल रही है, दोनों चीजें साथ में बन रही है, वीतरागता नहीं है, वीतरागता नहीं है, इसलिए तो आप देखो, हाँ मोहनी में सब अलग अलग है, वेदनी में ज्यादा जाता है, उससे कम मोहनी में जाता है, फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का पार्ट उससे कम है, तीनों का समान है लेकिन, और नाम और गोत्र इन दोनों का समान है लेकिन उनसे कम है, और सबसे कम आयु कर्म के अंतर्गत है, आठों कर्मों का ऐसा, वो तो सब कर्म कर्णानुयोग की बातें हैं, अभी इतना समय भी नहीं है मेरे को पूरी करनी है ये चर्चा, तो इतना मूल पॉइंट समझ में आया क्या, शुभ भाव के काल में भी पाप बंधता है, तो कोई हाँ यदि आत्मा लक्ष्य है तो फिर शुभ भाव नहीं है, फिर तो शुद्धोपयोग है, फिर कर्म से बंधन से रहित है, शुभ भाव के काल में भी पाप बंध रहा है, पुण्य भी बंध रहा है, दोनों चीजें एट ए टाइम, दो चीजें बंध रही है अभी, हाँ लक्ष्य मतलब यही तो होगा ना, लक्ष्य तो परद्रव्य ही होगा ना, लक्ष्य तो जिनवाणी होगी, मंदिर होगा, भगवान होंगे, कुछ भी हो तो भी पाप भी बंध रहा है, पाप भी बंध रहा है, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं है, पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृतियां बन रही है। अब उल्टा लगाओ, कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब जब हम पाप करते हैं तो पुण्य भी बनता होगा, कि नहीं ऐसा नहीं, पाप करेंगे तो सातों कर्म प्रकृतियों में पाप ही बंधेगा, और शुभ भाव करेंगे तो भी कुछ में पुण्य और कुछ में पाप भी बंधेगा, इसलिए हम कह रहे हैं जिन शुभ कर्मों से पाप भी बंधता हो वो शुभ कर्म भले कैसे हो सकते हैं, जो शुभ कर्म पाप बंधन में भी कारण हो वो शुभ कर्म भले कैसे हो सकते हैं। भाई यहाँ तो अभिप्राय बदलने की बात है, यहाँ तो मान्यता बदलने की चर्चा चल रही है, यहाँ तो श्रद्धा बदलने की चर्चा चल रही है, जड़ की क्रियाएं, देह की क्रियाएं क्या हो रही है, क्या होती है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो जो होती हो सो होती हो, अभिप्राय में ये बात रखें कि शुभ अशुभ दोनों बंधन के कारण है, शुभ अशुभ दोनों छोड़ देने योग्य हैं, वीतराग दशा इन दोनों से ऊपर उठ करके प्रकट होती है, ये दोनों दोहूं माई दौड़ धूप, दोहूं कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है, ज्ञानियों ने किसी की भी अभिलाषा नहीं की है, इसलिए पाप को बुरा और पुण्य को भला मानना ये बंध तत्व संबंधी भूल है, तो इस तरह ये बंध तत्व संबंधी भूल भी हमारे जीवन से निकले, इसी भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ, संवर आदि भावनाओं की चर्चा फिर आगे करेंगे।